आफ्टरनून। सो अभी हम लोग खा रहे हैं खिचड़ी और कल का थोड़ा सा पुलाव बच गया है, उसको मैंने गरम पे बिठाया, अब आवाज़ आ रही है ना। सो आज कल क्या होता है ना गाइस, मैं सुबह को उठ के इतना बिजी हो जाती हूँ, वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाती क्योंकि हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, फ्लैट्स देख रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। खिचड़ी और पापड़ से आज हमारा लंच स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने फर्स्ट टाइम अर्बन कंपनी से बुक किया था फेशियल वगैरह करने के लिए। सो देखते हैं कैसा होगा, आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिनों से मेरा कम्प्लेक्शन, अब देख रहे हो ना, बहुत डार्क हो गया है क्योंकि पैचेस आ गया है। हम लोग मोंदान मुनि उधर पे घूमे, कोलकाता में तो एवरी सैटरडे संडे हम लोग घूमते ही रहते थे, इधर आके भी घूमते रहते हैं, फ्लैट देखते रहते हैं, और मैं इतना से मेरे लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है मैं कुछ करूँ। तो सोचा है कि इस बार भी अगर नहीं करूँगी तो बहुत ज़्यादा डल दिखने लगूंगी और आप लोग बोलोगे मनोशिदा क्या हुआ है। सो आगे ये वो, आपने शायद ही कभी देखा होगा गाइस, मुझे पार्लर जाती है क्योंकि मुझे बहुत लेजीनेस आता है पार्लर जाने में, और ऊपर से टाइम वेस्ट होता है, किसी और एक कस्टमर है उसके बाद मेरा होगा, ऐसे करके फिर चार्जेस भी ना गाइस पार्लर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेता है। मैं ओनली एक फेशियल ही कराई थी एक बार, मुझे याद है 6-7 महीने पहले, 2500 ऐसा कुछ चार्ज हो गया था, और उससे भी कई कम प्राइस में मैं बहुत सारे यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिला अर्बन कंपनी पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोविड के वजह से हम लोग घर पे ही बहुत सारे सर्विस पसंद करते हैं, तो अर्बन कंपनी एक ऐसी ब्रांड है मुझे लगता है जो घर पर बहुत ही अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों की जो हर एक स्टाफ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन्ड है, वेल बिहेव करते हैं, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते हैं, सैनिटाइज्ड करते हैं। आके पहले मुझे हाथ में सैनिटाइजर दिया मैम ने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं फेशियल कर रही थी, अनिल बना के बोल के आया कि तुम भूत लग रहे हो फेशियल करने के लिए, सब भूत लगते हैं, उसके बाद चकाचक बन जाता है, देखो स्किन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। मेरे फोरहेड में बहुत ज़्यादा टैन था, बहुत क्लियर लग रहा है। आई एम सो हैप्पी, अभी मैं मैनीक्योर और पेडीक्योर भी कराऊंगी, मुझे लगता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं हर महीने कराती रहूंगी। ठीक है गाइस, मेरा पैर का हालत देखो कितना डिसकलरेशन हो गया है, यहाँ पे वाइट वाइट हो गया है, बहुत ही स्पेशली ये विंटर आता है ना तो मेरा पैर बहुत बिगड़ जाता है, और टैन का तो आप पूछो मत, कोलकाता जाकर बहुत ज़्यादा टैन हो गई हूँ। तो देखते हैं कितना मतलब क्योर होता है, क्योंकि पेडीक्योर में ना बहुत ज़्यादा क्योर हो जाता है आपका पैर में अगर डिसकलरेशन हो गया है, स्पेशली टैन की वजह से। कुछ एकदम सैनिटाइज करके मतलब यूज हो रहा है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कितना कोविड में वो करती हूँ कि ये टच मत करो, वो टच मत करो। सो थोड़ा सा मैं तो ऐसा सोचती थी कि मतलब सब लोग मतलब यूज़ करेंगे वही यूज़ होगा, कहीं उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, पर इट्स गुड ना कि उन्होंने सभी सैनिटाइज कर लिया है। थोड़ा सामने आते फेशियल के साथ साथ मेरा हाथ में, बैक में, हेड में, सब जगह पे मसाज कर दिया था, और मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था गाइस। फेशियल करने के बाद इसीलिए शायद बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, और 2-3 दिन बाद से जो है ना वो फेस बहुत अच्छे से ग्लो करता है, और हर महीने आपको ये करना चाहिए। ओह गाइस आई एम सो हैप्पी विद दिस सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रही थी, बार बार सैनिटाइज कर रहे थे सब चीज़ों को, और बहुत हाइजीनिक है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो आप, मेरा टैन काफ़ी हद तक रिमूव हो गया, मेरे हाथ का भी देखो कम्प्लेक्शन और बहुत ही ब्राइट लग रहा है ना पहले से। मैनीक्योर और पेडीक्योर और फेशियल मैंने कराया अप्रॉक्सीमेटली 1400-1500 के अंदर, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स चलते हैं, बहुत सारे वेरिएशन रहता है पैकेज के ऊपर, आप अपना पैकेज खुद सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग करके सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीमियम वाला कुछ चीज़ रहता है, वेडिंग ओकेशन में रहता है, जो आपको मतलब चाहिए उस तरह से आप सर्विस बुक कर सकते हो, और एकदम ऑन टाइम में आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सो ओवरऑल आइंदा से अगर आप बोलोगे कि मौसी तुम पार्लर में जाना पसंद करोगे कि अर्बन कंपनी को घर पे बुलाना, तो ऑफ कोर्स अर्बन कंपनी को घर पे बुलाना, क्योंकि आई एम सो मच हैप्पी, सो मच। यू कैन सी कितना मतलब रिमूव हुआ है, आई एम सो मच हैप्पी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग एक बार चेक कर लेना।
रात का डिनर अगर बन जाता है ना तो मैं ऐसे फील करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब काम ख़त्म हो गया ऐसा लगता है। अभी हम लोग जाएंगे डीमार्ट। कुछ कुछ चीज़ें जो है ना डीमार्ट में सस्ता पड़ता है, अच्छा क्वालिटी का मिलता है, स्पेशली दाल वगैरह। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँ कि डीमार्ट से लेना, बहुत सारे वेरिएशन में मिलता है दाल। तो गाइस ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत हल्का सा होता है। इसमें रागी, ज्वार, गेहूँ, कॉर्न ऐसे पांच रहते हैं और ये फ्राइड नहीं है, ऐसे कैसे ऐसे पेस्ट करके बनाते हैं। मेट्रो का जो मॉल है ना उधर से मैंने लेके आई थी, इतना तक रहता है, 50 रुपीज़ का रहता है। और ये मसालादार भी होता है, नॉर्मल भी होता है। और इसके साथ मैं चीज़ सॉस खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा टेबल देखो गाइस भर रहा है सब, इतने फ्लैट्स हम देख रहे हैं ना, जल्द ही कुछ गुड न्यूज़ आपको सुनाऊंगी। पहले क्या होता था कि हम लोग ना सुबह के टाइम पे बाज़ार जाते थे, शॉपिंग मॉल जाते थे, पर अभी पूरा चेंज हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह के टाइम पे फ्लैट देखने जाते हैं, दोपहर के टाइम पे मतलब काम वगैरह रहता है ये ख़त्म करते हैं, फिर रात को अनिर्वाण का आज मतलब उन लोगों का क्या रहता है, आईटी में कभी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, कभी कम रहता है। तो अभी लकीली कम चल रहा है वर्क प्रेशर, तो बीच बीच में टाइम मिल जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटा, तो यही अच्छा होता है वर्क फ्रॉम होम का। तो 1.5 घंटे में हम लोग ना इजीली जाके आ जाते हैं शॉपिंग मॉल। अभी देर नहीं हो रही है, ये जो चिप्स होता है ना ये मुझे लेस से भी ज्यादा पसंद है। आई डोंट नो इसमें क्या रहता है। हां सीरियसली इसका मसाला तो ना ऑसम है इसका। इसका टेस्ट ही अलग होता है, एकदम प्रॉपर आलू का रहता है। ए यार कैमरा टकन देखे सब ना। सो अनिर्बान बोल रहे कि पास में ही है ना डीमार्ट, तो पैदल चलते हैं। Back to old days.